डियर स्टूडेंट सब क्लास टेंथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इन वीडियो लेक्चर्स में एज़ यू नो कि हम कसीदा जो आपके सिलेबस में शामिल है वही आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि मैं ये बात कन्वे कर चुका हूँ जो इस कसीदे का टेक्स्ट है एज़ फार एज़ कंसर्न योर एग्ज़ामिनेशन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट मार्कस एग्ज़ाम के लिए इतने ज़रूरी नहीं है जितनी लैंग्वेज जितनी नॉलेज एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। सो इस नज़म के कुछ अशार हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। सो आज वहाँ से हम प्रोसीड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स शायर कहता है कि घोड़ा लेकर अगर नौकरी करते हैं कसू की यानी इस समाज की बदहाली इस समाज की अकासी अपने इन अशआर में यहाँ से शायर करने लगा है। यानी इस समाज का हाल ये हो गया है, इसकी गरीबी का आलम ये हो गया है कि अगर कोई एक इंसान किसी के यहाँ नौकरी करता है तो फिर इस इंसान पे फ़र्ज बनता है कि महीना हो जाए वो वेजेस प्रोवाइड करे, वो वहाँ से सैलरी प्रोवाइड करे, वट एवर भी उसे पहुँचता है। लेकिन जहाँ वो नौकरी करता है वहाँ पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि खजाना खाली हो गया है, खजाने में पैसे नहीं है। इसका रीज़न मैं पहले ही वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। सो खजाना खाली होने के नाते शायरी कहता है तनख्वाह का फिर आलम बाला पे निशा है। यानी दूसरी दुनिया से इस नौकरी सर्विस करने वाले इंसान को या सर्विस देने वाले इंसान को मेहनत व मशक्कत करने वाले इंसान को दूसरी दुनिया से पे लाना है, तनख्वाह लाना है। मेहनत यहाँ करेगा लेकिन यही सैलरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सैलरी अवेलेबल नहीं है तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, उसे दूसरी दुनिया। ने ये तनकीद के तौर पर तंजन शायर कहता है। यहाँ जिसके पास नौकरी इंसान कर रहा है उसके पास फिर पैसे देने को कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है फिर दूसरी दुनिया में हमें तनख्वाह लाना है, तो वहाँ ये हो नहीं सकता है। इसका सिंपल मतलब है कि पैसे उसके पास तनख्वाह के लिए नहीं है, काम करिए अच्छे से करिए लेकिन पैसे हमें देने को नहीं है। गुजरे हैं सदा यूं अल्फ दाना की खातिर। शायर कहता है जो एक घोड़ा है इसके दाना लाने के लिए, खातिर मीनस के लिए, अल्फो दाना मीनस खुराक, यानी घास फूस लाने में, खुराक लाने में, घोड़े की देखभाल करने में उम्र गुजर जाती है। यानी इसकी देखभाल करने में उम्र ही गुजर जाती है, इसको खिलाना पिलाना तो है उम्र ही गुजर जाती है। शमशीर जो घर में है तो सिफर बुनिए क्या। अगर एक चीज़ जो है वो शमशीर अगर हमारे घर में है तो फिर दूसरी चीज़ जो बुनिया है वो सिफर जो है वो ढाल जो है, सिफर के माने ढाल, वो जो फौजी अपने सीने पे बांधते हैं तो वो दूसरी जगह पर मिलेगा। यानी दरअसल इसका मकसद यह है कि यहाँ से आप देखिए इंक आपको मिलेगी एक जगह पर, यानी जो इसके अंदर इंक है वो एक जगह मिलेगी, कैब जो है वो दूसरे मुल्क में मिलेगी, फिर इसकी बाड़ी तीसरी। इसका मतलब है यहाँ जो इनोवेशन्स है वो ज़ीरो है, यहाँ जो क्रिएशन्स है वो 0% है, लिहाजा यहाँ हम मोहताज है, कदम कदम पे मोहताज, दाने दाने के लिए मोहताज, कुछ भी हमसे यहाँ नहीं हो रहा है। शायद कहना चाहता है सौदा गरी कीजिए तो है इसमें ये मशक्कत। यानी सौदा गरी करने में, बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट देनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, तब जाके इंसान वहाँ से कुछ कमाता है। यानी इस जो इतना हार्ड बन गया है बिजनेस करना, इतना मुश्किल हो गया है, दिन दक्कन में बिके जो खरीदे सफ़ा है, यानी जो हम खरीद कर लाते हैं शहर ईरान सफ़ा से लाते हैं, तो वो फिर हमें खुदा करे कहाँ, अगर अगर वो बिक गया दक्कन में तो बिक गया, नहीं तो यानी एक दूर दराज मकाम से लाना पड़ता है, दूसरे दूर दराज मकाम का सफ़र करना पड़ता है। तो इसका मतलब नटशल में शायर कहना चाहता है कि जो ये बिजनेस है ये बहुत मुश्किल हो गया हमारे समाज में करना, गो कि आप बिजनेस करना या ना करना एक जैसा हो गया, इससे हमें कोई लाभ और फायदा नहीं मिल रहा। शायर सुने जाते हैं जो मुस्तगनीउल अहवाल। मुस्तगनी गनी से निकला है जिसका मतलब है बेनियाज, हाल जमा है अहवाल। यानी अक्सर कहा जाता है जो ये शायर है ये बेनियाज लोग हैं,
इनको किसी चीज की हाजत ही नहीं होती है, ये अमीर लोग होते हैं। मगर ये तो आप बातें रही हैं कागजों वाली बातें, ये लिखी लिखी लिखाई बातें हैं, ये कोई रियलिटी की फैक्ट्स की बातें नहीं है। देखे जो कोई फिक्र तो तरद्दुद इनको, अगर कोई गौर करे, यहाँ की शायरों को भी फिक्र है, तरद्दुद है, वो भी परेशान है, वो भी टेंशन में पड़े हुए हैं, वो भी बहुत ज्यादा अफसरदा है, वो सोच रहे हैं हम क्या करें अब। देखे जो कोई फिक्र तरद्दुद को तो यहाँ है, गर ईद का मस्जिद में पड़े जाके दुगाना। अब कोई इंसान ये समाज का हाल बयान कर रहा है शायर, अगर कोई एक इंसान आपको लग रहा है वो नमाज पढ़ने जा रहा है मस्जिद में, या आपको लग रहा है कि जो शायर है वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है, नेत असल में वो नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है, शायर नमाज पढ़ने असल में नहीं जा रहा, क्या करने जा रहा है शायर खुद कह रहा है, वो कतई तहनियत खाने जमा है। खाने जमा मीन्स बादशाह, तहनियत मीन्स मुबारकबादी, कता मीन्स ये पोइट्री एक फॉर्म है, वो शायरी करने जा रहा है, वो यहाँ वो वहां मुबारकबादी के लिए कथा लिखेगा, वो मुबारकबादी के लिए कुछ लाइनें लिखेगा, किसके लिए, बादशाह के लिए, ताकि बादशाह खुश हो जाए, कुछ रुपया मिल जाए। तो गो की शायर कहता है इस जमाने में जो इबादत है वो भी रस्म अब हो गई है, रस्म बनकर रह गई है, रह गई रस्म अजार हुई बिलाल ही न रही, शायर कह रहा है मुलाई अगर कीजिए तो हम मुला की कदर। अगर अब कोई मौलवी साहब बनना चाहता है तो चलो बने, लेकिन याद रहे कि मौलवी साहब की हमारे समाज में ये कदर है। क्या कदर है? हूं 2 रुपये उसके जो मसनवी खां है, यानी मसनवी लिखने वाले को, शायरी करने वाले को 2 रुपये मिल जाते हैं, लेकिन जो बेचारा हमारी सोसाइटी का मुला साहब है इसको 2 रुपये भी नहीं मिलते हैं। गो कि इसकी हालत इंतहाई नागुफ्ता बह है, इंतहाई जो है परेशान कुन हालत से ये बेचारे गुजर रहे हैं। तो हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि वाकतन यहाँ शायर कितने परेशान है। ये तो अब गिना रहा है नाम कि कौन कौन से लोग परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, ट्रेडर्स परेशान है, फार्मर्स परेशान है, पॉइट्स परेशान है, या वो कोई नहीं है जो परेशान नहीं है, हर एक परेशान इस दुनिया में हुआ है। और माँ हजर अखमंद का अब मैं क्या बताऊं, शायर कहता अब मैं आपको क्या बताऊंगा जो लोग टीचर है, टीचर्स का क्या हाल है, माँ हजर अखमंद का क्या हाल है, यक कासे अदस दाले अदस जौ की दोना, वो 2 रोटी और दाल के एक प्याले के मोहताज हो गए, यानी इनको 2 रुपये भी नहीं मिलेंगे, एक आना एक टका भी नहीं मिलेगा, उनको 2 रोटियां जौ की मिलेंगी और प्लस क्या मिलेगा इनको, उनको ये आदस का एक दाल का एक जो है वो प्याली मिलेगी, बस ये इसके मोहताज हो गए। ये तो टीचर्स की कदर है, जो नेशन बिल्डर्स है, हमारा समाज इतना बदतर हो गया है, इतनी गरीबी आ गई है कि हाल इनका ये हो गया है, खुद ही शायर बयान कर रहा है। दिन को तो बेचारा पढ़ाया करे लड़के, दिन को तो मेहनत करेगा, दिन को तो बेचारा अपने स्कूल जाएगा, वहां बच्चों को पढ़ाएगा, वहां तालीम जो है वो एजुकेशन कम्युनिकेट करेगा, कन्वे अपने पॉइंट्स करेगा, लेकिन तनजन शायर ये लिख रहा है कि शब खर्च लिखे घर अगर हिंदुस्तान है, यानी मैथ जानने वाला अगर है तो रात को इसे खर्चा है, बैठने लिखना है कि मैंने दिन में इतने इतने खर्चे किए और कर्ज में डूब गया, कर्ज में डूब गया, लेकिन वहां से सर्विस में कुछ नहीं मिलेगा इसको, जो सर्विस दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट पर फर्ज है वो महीने खत्म होने के बाद वो सैलरी रिलीज करे, लेकिन नहीं होगी सैलरी रिलीज, कहाँ से होगी जब उनके पास पैसा ही नहीं, ना ट्रेजिडी खाली है, जब उनके पास रेवन्यू ही नहीं आ रहे, तो रेवन्यू ये मैं पहले ही वीडियो लेक्चर में किस मौगलिया डायनास्टी में रेवन्यू क्यों नहीं आ रहा ये मैं रिपीट नहीं करूंगा। सो अब कह रहा अब कीजिए इंसाफ की जिसकी हो या औकात, यानी आप जिस इंसान की औकात इतनी बुरी हो आप इंसाफ कीजिए कि आराम से जो चाहे करे वक्त, यानी अगर कोई इंसान आराम करना चाहे इस दुनिया में ऐसे मुल्क में कहाँ वो वक्त आ सकता है, यानी इसकी हालत इतनी बदतर है, आराम किसी इंसान को मयसर नसीब नहीं हो सकता है, लिहाजा हमने तरसना तड़पना है इन चीजों के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मसनवी हम पढ़ रहे हैं तो इसका एक और वीडियो लेक्चर रह गया है, तो वो भी इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे जल्दी, तो इसके बाद हम ग्रामर शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।